वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 411 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये कि वेट फॉर अ सिंगल इवेंट, वेट करना सिंगल इवेंट के लिए, किसी भी एक सिंगल इवेंट के लिए कहलाया जाता है कौन सा ऑपरेशन, ब्लॉकिंग ऑपरेशन कहलाया जाता है। सो ब्लॉकिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि टू यूज KBHIT कमांड यू नीड टू इंक्लूड, आपको जरूरत होती है कि इंक्लूड करें हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम। सो किस विच हेडर फाइल, सो कौन सी हेडर फाइल, वो है conio.h। सो conio.h इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इनमें से कौन सा जो है वो बिल्ट होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से, वो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश लेट एनी क्लासेस बिहेव लाइक एन एरे, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी जो कि वो करने देता है क्लासेस को बिहेव एरे की तरह, वो है इंडेक्सर्स। उसके बाद ये कि डैश मेथड्स टू डू नॉट हैव नेम्स, कौन सा मेथड ऐसा है जिसका नेम नहीं है, सो वो एनोनिमस है। और उसके बाद ये कि ड्राइव्ड इवेंट जो इनमें से क्या है, वो है जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इनसाइड एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। और उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज इन अकरेंस है विद इन अ पर्टिकुलर सिस्टम में या फिर डोमेन, सो वो है इवेंट। सो इवेंट इसका आंसर है। और उसके बाद देखिए डैश इज एन एंटिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एंटिटी है जो कि रिसीव करता है इवेंट्स फ्रॉम द सिस्टम से, वो है इवेंट कंज्यूमर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के एट्रीब्यूट्स कैन बी क्वेरी एट रन टाइम, क्वेरी किया जा सकता है रन टाइम के ऊपर थ्रो किसके जरिए, वो है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान प्रोग्राम कैन बी स्टॉप, प्रोग्राम को स्टॉप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के जरिए, ब्रेक पॉइंट्स की हेल्प के साथ। और उसके बाद ये द डैश डैश डैश, यानी कि तीन चीज़ें यहाँ पर ऑफ एप्लीकेशन की जो तीनों चीज़ें हैं डेट यूज इवेंट्स, जो कि यूज़ करती हैं इवेंट्स आइथर डायरेक्टली या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो इसमें आ जाती है डिज़ाइन कोडिंग ऑपरेशन। सो दिस इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक डैश मैथड रीड्स द होल डॉक्यूमेंट इन मेमोरी, कौन सा मैथड जो है वो रीड करता है होल डॉक्यूमेंट मेमोरी के अंदर, वो है XML डॉक्यूमेंट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि रन द प्रोग्राम, अगर हम रन करते हैं प्रोग्राम को फ्रॉम विद इन विजुअल स्टूडियो से, द कंसोल वीडियो डिसअपियर्स, विंडोज डिसअपियर क्विकली, कंसोल विंडो डिसअपियर हो जाती है क्विकली, सो वी कैन यूज डैश, ताकि हम यूज़ कर सके डैश टू कीप स्क्रीन फ्रॉम गोइंग अवे, सो वो है कंसोल रीड लाइन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो इज एन एंटिटी है डेट इंट्रोड्यूस करती है इवेंट इन टू द सिस्टम, वो है इवेंट प्रोड्यूसर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एट द टाइम एन इवेंट इज फायर्ड, उस टाइम के ऊपर जब इवेंट जो है वो फायर्ड होता है द डैश मेथड विल बी इन्वोक्ड, सो वो है रजिस्टर्ड मेथड इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डज नॉट इंक्लूड, उसमें शामिल नहीं होता इन इवेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन में, वो है टर्मिनेटिंग इवेंट्स इज द आंसर हेयर। उसके बाद देखिए सी शार्प इज अ डैश एंड डॉट नेट इज अ डैश, तो इसका जवाब है लैंग्वेज एंड द प्लेटफॉर्म, सो लैंग्वेज एंड द प्लेटफॉर्म आर द आंसर। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मे और मे नॉट रिलेट टू एन एक्चुअल अकरेंस, कौन से इवेंट जो है वो हो भी सकता है या ना भी हो सके कि वो रिलेट करें एक्चुअल अकरेंस से, वो है प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स इसका आंसर है। उसके बाद ये द कंसोल सिस्टम कंसोल जो इज अ डैश, वो डैश है जो कि इनेबल करता है हमें टू डू कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, सो वो है क्लास, तो क्लास इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इवेंट्स आर बेस्ड ऑन, इवेंट जो है वो बेस करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, डीकपलिंग की प्रिंसिपल्स के ऊपर। और उसके बाद ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर डैश सेंड्स इवेंट टू डैश जो है वो सेंड करता है इवेंट को डैश तक, सो इवेंट प्रोड्यूसर सेंड करता है इवेंट को इवेंट कंज्यूमर तक, सो इवेंट प्रोड्यूसर से इवेंट कंज्यूमर तक। उसके बाद ये XML इज अ स्ट्रक्टर वर्जन है किसका, HTML का, HTML इसका आंसर है। उसके बाद ये एक्सटेंशन मेथड डैश
एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर, एक्सटेंशन मेथड जो है वो डैश एक्सेस करता है प्राइवेट डेटा मेंबर जो क्लास के इन विच दे आर एक्सटेंडेड, सो इसका जवाब है कैन नॉट, कैन नॉट इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि बी एम एल इज कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, बी एम एल जो है वो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्स एम एल, एक्स एम एल का। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम, फाइनल टर्म और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।